हेलो एंड वार्म वेलकम टू साला जेई। बच्चों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंथ में कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा कि हमको मैथ स्ट्रीम मिल जाए, मतलब हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपने क्लास 11th के लिए मिल जाए। तो जो भी बच्चे टेंथ में हैं और वो मैथ साइड लेना चाहते हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब हम टेंथ के परसेंटेज की बात करते हैं तो जो टेंथ का परसेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि हमको बायो साइड में जाना है या हमको क्या है मैथ साइड में जाना है। ये कई बार हम लोग क्या परसेंटेज से डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वो स्कूल परसेंटेज से क्राइटेरिया लगा देते हैं कि भाई तुम इतने परसेंट लाओगे तो तुमको मैथ्स मिलेगा, इतने परसेंट लाओगे तुमको बायो मिलेगा, इतने परसेंट लाओगे तुमको केमिस्ट्री मिलेगा। तो जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं वो वीडियो के एंड तक बने रहे, उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो जो परसेंट होता है वो मोस्टली स्कूलों में क्या होता है 60% होता है। अगर तुम्हारे मार्क्स 60% से ज्यादा हैं तो तुमको क्या है मैथ्स साइड दे दी जाती है, जिसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को क्या पढ़ना होता है। और बेटा कुछ स्कूलों में ये क्राइटेरिया क्या थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ स्कूलों में क्या होता है ये क्राइटेरिया क्या 70% रख दिया जाता है और कुछ स्कूल में क्राइटेरिया क्या 74% रख दिया जाता है और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पे ये क्राइटेरिया 80% तक रख दिया जाता है। तो बेटा अब बात ये आती है कि भाई तुम्हारे स्कूल में क्या रहेगा। तो बेटा इसके लिए तुमको एक काम ये जरूर करना पड़ेगा कि जो तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट हो या जो क्लास 12th के स्टूडेंट हो या जो बच्चे क्लास 12th आपके स्कूल से कर चुके हो उनसे एक बार ये बात करो, उनसे ये पूछो कि ये बताओ कि जो क्लास 10th में कितना परसेंट लाना होगा कि मेरा जो है मुझको मैथ साइड मिल जाए। ये तुमको अपने स्कूल में किसी सीनियर स्टूडेंट से जरूर जरूर पूछना पड़ेगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम सीनियर स्टूडेंट से पूछना नहीं चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो भाई सर मुझको मैथ साइड किस परसेंटेज पे मिल जाएगी। अगर तुम ये चीज पता कर लोगे पहले से और उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाओगे तो फिर डेफिनेटली तुमको जो मैथ स्ट्रीम है वो क्या मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर अगर मेरा परसेंटेज उतना नहीं आ पाया तो, अगर तुम्हारे स्कूल में जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो भी मांगा गया है अगर उतना तुम्हारा परसेंटेज नहीं आ पाया तो डरने की बात नहीं है, तो तुमको क्या कर देना है तुमको स्कूल चेंज कर देना है। अगर तुम स्कूल चेंज कर दोगे जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में मांगा गया है 80%, अगर तुम्हारा 10th में 80% होगा तो तुमको 11th में मैथ स्ट्रीम मिलेगा जिसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया लगा हुआ है और तुम्हारे यहां सिर्फ 75% तो तुमको क्या करना है, तुमको स्कूल चेंज करना है, तुमको ऐसे स्कूलों में जाना है जहां 75% का क्राइटेरिया है या फिर 70% का या 60% क्राइटेरिया है, तो वहां तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुमको मैथ स्ट्रीम क्या मिल जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्कूल में कोई भी क्राइटेरिया हो मैटर नहीं करता है, बस मैटर यह करता है कि तुम एक कम से कम 60% तो लेके आओ 10th में जिससे कि तुमको क्या है मैथ साइड मिल सके। और हर स्कूल का जो क्राइटेरिया जैसे मैंने तुमको बताया अलग अलग होता है, तो इसलिए अगर कभी परसेंटेज ना आ पाए तो पैसा होने की जरूरत नहीं है, तुमको फिर स्कूल चेंज क्या कर देना है, ये चीज तुमको ध्यान रखना है। तो बेटा ओवरऑल तुमको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चली, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। और जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी भी बोर्ड में, चाहे वो CBSE में हो, ICSE में हो, ISC बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में बच्चे हो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो वो बच्चे क्या है 1-to-1 क्लासेस भी ले सकते हैं। बेटा 1-to-1 क्लासेस लेने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। बेटा एक बार फिर से मैं तुमको बता देता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। बेटा ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप क्या करें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 1-to-1 क्लासेस भी ले सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली पढ़ाया जाएगा। आपको अगर एक चैप्टर पढ़ना है या दो चैप्टर पढ़ना है या कुछ चैप्टर पढ़ने हैं आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे लेवल से तैयार किया जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों का टारगेट है 90% उससे जाने का वो जरूर 1-to-1 क्लासेस को ज्वाइन करें, हम आपको उस टारगेट तक पहुंचाने में पूरी और पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे और तुमको उस टारगेट तक जरूर जरूर पहुंचाएंगे। तो बेटा ओवरऑल तुमको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट योर परसेंटेज क्राइटेरिया कि तुमको 10th में कितना परसेंट लाना होगा कि तुमको क्लास 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री में मिल जाए। और बेटा इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। बेटा ऐसे वीडियो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूं। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।